नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंद्रप्रीत और आज हमारा एंड्रॉयड बेसिक एंड्रॉयड ट्रेनिंग का दूसरा लेसन जो कि कल और आज की दोनों की क्लासेस को मिक्स करके बनाया गया है। तो आज का जो हमारा लेसन है उनमें कुछ टॉपिक्स आज कवर किए जा रहे हैं। टॉकबैक की बेसिक सेटिंग के ऊपर टॉपिक है आज का पूरा, और टॉकबैक के शॉर्टकट के ऊपर है कि आप टॉकबैक को कैसे शॉर्टकट के जरिए ऑन ऑफ कर सकते हैं, और टॉकबैक के जेस्टर्स को किस प्रकार हम रन करते हैं, टॉकबैक के जेस्टर्स क्या हैं, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा आज का टॉपिक है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको टॉकबैक सेटिंग्स का आपको पता लग गया, टॉकबैक शॉर्टकट का मैंने बता दिया, अब जेस्टर्स का भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो टॉकबैक के जेस्टर्स का यूज़, कुछ ऐसे जेस्टर्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है टॉकबैक को फास्टली यूज़ करने के लिए। इसमें कुछ जेस्टर्स होते हैं बैक और पेज चेंजेस के, और उसके अलावा होम के, बैक के, रीसेंट एप्स के, तो इस प्रकार के कुछ जेस्टर्स होते हैं, मतलब तेज़ी से काम करने के लिए इन जेस्टर्स का उपयोग किया जाता है, तो यही जेस्टर्स होते हैं। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं, आज का पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। यदि आप बिगनर्स हैं तो ज़रूर अंत तक देखिएगा, अगर आप एडवांस यूज़र हैं तो वीडियो को प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। तो ओनली ये वीडियो बिगनर्स के लिए ही है, अगर आपको सेटिंग सारी पता है तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं हूं इंद्रप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करता हूं, किस प्रकार आपको टॉकबैक की पूरी सेटिंग्स करनी है तो उसको मैं पूरा ट्यूटोरियल शुरू करता हूं। तो मैं अपना टॉकबैक ऑन करता हूं। तो सबसे पहले हमें जाना है फोन की सेटिंग्स में। मैं फोन की सेटिंग्स में चलता हूं। सेटिंग्स बटन। तो मैं सेटिंग्स में आ गया। नोवा लॉन्चर। सेटिंग्स। तो सेटिंग्स। सेटिंग्स के बाद जो लोग तो एमआई का फोन यूज कर रहे हैं उनको जाना है एडिशनल सेटिंग में, और जो अदर फोन यूज करते हैं उनको जाना है डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो मैं चलता हूं। अबाउट फोन। बैटरी एंड पासवर्ड्स। थीम। वॉलपेपर। Additional settings. तो additional setting में. Additional settings. आगे हमें जाना है इसमें accessibility में. One-handed accessibility. तो अब मैं यहाँ पे पहले कुछ Samsung users को बता दूँ कि Samsung users अगर आपके फ़ोन के अंदर TalkBack install नहीं है तो आप पहले Play Store में जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे Google TalkBack या तो Android Accessibility Suite, तो ये सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे पहले नंबर पे मिलेगा, उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है वहाँ से। ठीक है, तो जो तो एंड्रॉयड के जो एमआई के यूजर्स हैं या अदर यूजर्स हैं उनको बाहर ही टॉकबैक की मिल जाएगा ऑप्शन। फिर टॉकबैक प्रोवाइडेड बाय एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी, तो इसमें जाएंगे, और जो लोग सैमसंग के यूजर्स हैं उनको एक्सेसिबिलिटी में जाना है, उसके बाद इंस्टॉल सर्विसेज में जाना है, वहाँ पर उनको टॉकबैक मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं आगे। टॉकबैक Accessibility. When TalkBack is on, accessibility checked checkbox. तो यहाँ पे मेरा ऑन है TalkBack already, तो इसकी हम settings में जाएंगे। Settings button. तो इस पे setting पे चलते हैं अब हम। तो TalkBack हम TalkBack setting के अंदर आ गए। देखिए, एक तो ये method हो गया TalkBack की settings में आने का, और एक और method है TalkBack की setting में जाने का। आपको अपने स्क्रीन के ऊपर L का जेस्टर बनाना है, मतलब कि आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ऊपर से नीचे की ओर उंगली को घिसाना है, उसके बाद राइट साइड घिसाओगे तो अलर्ट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलती है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, TalkBack सेटिंग मिलेगी उस पे। Read from, repeat, copy, screens, TalkBack settings. तो इस पे जाएंगे तो हम टॉकबैक सेटिंग में पहुंच जाएंगे। तो आप दो तरीके से टॉकबैक की सेटिंग में पहुंच सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सारी की सारी टॉकबैक की सेटिंग्स को। टॉकबैक सेटिंग्स वर्जन 8.2 स्पीच। तो पहले स्पीच का हेडिंग है, उसमें देखते हैं क्या क्या है। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग है ये, हम टेक्स्ट टू स्पीच को हम आगे के दिन के टॉपिक्स में देखेंगे, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। वर्बोसिटी। तो वर्बोसिटी या वर्बोसिटी, तो इसके अंदर चलते हैं, पहले इसको देखते हैं सारा। वर्बोसिटी नेविगेट। वर्बोसिटी चूज अ प्रीसेट कस्टम। चूज अ प्रीसेट हमें कस्टम पे ही रहने देना है। वर्बोसिटी डिटेल्स। कीबोर्ड इको ऑलवेज स्पीक टाइप्ड कीज।
कीबोर्ड एको जो है वो ऑलवेज स्पीक टाइप कीज़ पे ही रखनी है, इसको हमें कुछ नहीं छेड़ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसी सेटिंग है वैसे ही रखनी है। Speak usage hints. Usage hints are not spoken when moving accessibility focus off switch. Speak usage hints. ठीक है, speak usage hints को हमें ऑफ रखना है, बाकी आप लोग अगर ऑन रखना चाहे तो रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपका, अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आपका टॉकबैक जो बोलता है ना, डबल टैप टू होल्ड एंड स्वाइप राइट, ऐसी चीज़ें बोलता है, वो हमें हिंट्स बताता है कि आप इसको ओपन करने के लिए ये करो ये करो, तो वो बोलना बंद हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा टॉकबैक बोलना बंद हो जाएगा। इसे हम ऑफ ही रखूँगा मैं तो, आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं ऑन या ऑफ। Speak list and grid information. List and grid information is not spoken. Off switch. Speak list in grid information. आपको इसे भी off रखना है, जो आपकी list और grid की information पढ़ता है कि इतना वो है, तो वो नहीं पढ़ेगा, तो इसे off ही रखना है। Speak the number of list items on the screen. Speak only when scrolling with gesture. Off switch. Speak the number of list items. आपके बोलता है ना screen पे 24 items, 25 items, ऐसे कई कई बार कुछ कुछ चीज़ों में बोलता है आखिर में, तो ये वो नहीं पड़ेगा, तो इसे हमें ऑफ ही रखना है। बाकी आप लोग अगर ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा टॉकबैक ना बोले तो इसलिए इसे ऑफ ही रखिए। Speak element type. Element type is spoken for focused items. On switch. Element types को आपको focus option पे रहने के लिए element types को on ही रखना है। Speak phonetic letters. Phonetic letters are spoken when long pressing on keyboard keys and navigating by character. On switch. Speak phonetic letters, इसे भी आपको on रखना है, इसे भी by default जैसे आता है वैसे ही रहने देना है। Use pitch changes. Speak keyboard feedback. Speak phonetic letters. Use pitch changes. Speak keyboard feedback in a lower pitched voice. On switch. Speak pitch changes. तो इसे भी आपको on ही रखना है, as it is वैसे ही रहने देना है। तो इसके जरिए वो keyboard के कुछ upper और lower के characters का होता है। Speak when screen is off. No speech occurs when the screen is off. Off switch. Speak when screen is off. आपको इसे off करना है, इसकी on होता है, इसे off कर दिया कीजिए, तो इससे क्या होगा, काफ़ी हद तक आपका जब स्क्रीन बंद होता है आपका, तो आपने ऐसे फ़ोन रखा होता है तो काफ़ी हद तक आपका फ़ोन नोटिफिकेशंस वगैरह आने पे नहीं बोलेगा। Miscellaneous. Element description order. State name. Type. Element description order. State name. Type. ऐसे ही छोड़ देना इसे। Speak element IDs. Element IDs are spoken for unlabeled buttons. On switch. Speak element IDs. इसे हमें ऑन करना है, इससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐप्स या बहुत सारी जगहों पे हमारे टॉकबैक इनेबल बटन बोलता है, तो ये काफ़ी हद तक कुछ बटन्स को लेबल कर देता है हमारे लिए, तो इसे हम ऑन कर देंगे, ये ऑफ आता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वर्बोसिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आगे की सेटिंग्स की ओर बढ़ते हैं। Use proximity sensor. Proximity sensor silences speech. On switch. Proximity sensor silence. ठीक है, तो ये यूज प्रॉक्सिमेटरी सेंसर, इसे हम ऑन रखेंगे, इससे क्या होगा कि जैसे आपका मान लीजिए टॉकबैक कई बार ज़्यादा बोल रहा है, आपको उसको चुप करवाना है फटाफट, तो जैसे हम कंप्यूटर में कंट्रोल का बटन यूज़ करते हैं एनवीडिया और जो उसको चुप करवाने के लिए, उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि इसे, ये यदि हमारा ऑन होगा ऑप्शन प्रॉक्सिमेटरी सेंसर का, तो हम कैमरा जो हमारा फ्रंट कैमरा होता है या स्पीकर कान वाला स्पीकर एयरपीस होता है उसके पास अगर हम उंगली या अंगूठा दिखा देंगे उसे, तो वो चुप हो जाएगा टॉकबैक उसी समय। ठीक है, तो उस समय ये इसका यूज होता है, इसे ऑन ही रखना है हमेशा। Speak passwords. Passwords always spoken on switch. Speak passwords, तो इसे भी हमें ऑन रखना है, इससे क्या होता है कि अगर इसे ऑफ रख दोगे तो, अभी थोड़े टाइम पहले ये फीचर आया है, थोड़े पिछले कुछ अपडेट्स में ये फीचर दिया था एंड्रॉयड ओरियो में, कि इससे क्या होता है कि पहले इसे और हम ऑफ रखते हैं तो हमारा कीबोर्ड जब भी हम किसी पासवर्ड फील्ड में, मान लो फेसबुक पे पासवर्ड डाल रहे हैं, किसी ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा टॉकबैक या तो बुलेट बुलेट पड़ता है या तो एस्ट्रोस एस्ट्रोस या स्टार स्टार पड़ता है, तो उस इसको अगर ऑन रखेंगे तो हमारा टॉकबैक जब भी हम जो भी की दबाएंगे, जैसे ए दबाते हैं तो वो ए ही पड़ेगा, वो बुलेट नहीं पड़ेगा, या ठीक है तो, या बी दबाते हैं तो वो बी ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये यूजर है, इसे हमें ऑन रखना है। अदर फीडबैक Vibration feedback off switch. Vibration feedback, इसे भी हमें off रखना है, इससे आपका काफ़ी हद तक बैटरी बच सकती है, बाकी आप on भी रख सकते हैं, तो मैं इसको अगर on करता हूँ on, तो इसको on करने से क्या होगा कि आपका जो टॉकबैक के आप जब स्वाइप करोगे तो आपका साथ साथ वाइब्रेशन भी होगा। देखिए sound feedback आपको सुन रहा होगा, sound feedback वाइब्रेशन फीडबैक, है ना, तो मैं इसे ऑफ ही रखूंगा, इससे आपकी बैटरी भी काफी हद तक बचती है और आपका वाइब्रेशन सेंसर जो होता है वो भी अच्छा रहता है।
साउंड फीडबैक ऑन स्विच। साउंड फीडबैक इसे मैं ऑन ही रखता हूँ, बाकी आप अगर इसे भी ऑफ करना चाहे तो कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये देखिए आपको जो टिच टिच की साउंड सुन रही होगी ना स्वाइपिंग के टाइम, इसे अगर ऑफ कर दोगे तो ये बंद हो जाएगी, इसे अगर ऑन रखोगे तो ये टिच टिच की साउंड आएगी। आगे चलते हैं, साउंड फीडबैक वॉल्यूम 50% ऑफ स्पीच वॉल्यूम। साउंड फीडबैक वॉल्यूम, ये टिच टिच की साउंड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितनी ज्यादा रखनी है या कम रखनी है। तो इसके अंदर चलता हूँ, साउंड फीडबैक 75% ऑफ स्पीच मैच स्पीच वॉल्यूम। मैच स्पीच वॉल्यूम है आपके मतलब टॉकबैक की और इसकी, दोनों की साउंड एक जैसी रहेगी। 75% है आपकी टॉकबैक की साउंड से ये 75% कम होगी। Checked 50% of speech volume. 50% मतलब टॉकबैक की साउंड जितनी होगी उसका 50% हिस्सा होगा इसकी टिच की साउंड का। 25% of speech volume. 25% मतलब कि आपकी टॉकबैक की साउंड का 25% हिस्सा होगा। ठीक है, तो मैं 50 पे ही रखता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। टॉकबैक सेटिंग्स, ऑडियो डक, साउंड फीडबैक, ऑडियो डकिंग, डिक्रीज अदर ऑडियो वॉल्यूम व्हाइल स्पीकिंग ऑन स्विच। ऑडियो डकिंग इसे ऑन ही रखना है हमें। इससे क्या होता है कि जब हम गाने वाने प्ले करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा इसे ऑन रखने से हमारा टॉकबैक की आवाज़ थोड़ी लाउड रहती है और गाने की आवाज़ हल्की सी धीमी हो जाती है, तो हमारे टॉकबैक अच्छे से सुनाई देता है फ़ोन में, तो इसका ये यूजेज होता है, तो इसे हमें ऑन ही रखना है। ब्रेल कीबोर्ड, ब्रेल कीबोर्ड इसके ऊपर हम एक पूरा अच्छे से वीडियो लेके आएंगे, अच्छे से टॉपिक क्लियर करेंगे ब्रेल कीबोर्ड का, तो इसको हम आगे जाके सीखेंगे। नेविगेशन, सिंगल टैप एक्टिवेशन, एक्सपेरिमेंटल टैप ऑन करंटली फोकस्ड आइटम टू एक्टिवेट ऑफ स्विच। सिंगल टैप एक्टिवेशन, तो इसको हम ऑफ ही रखता हूँ मैं तो, क्योंकि ये पार्शली ब्लाइंड जो है वो एक मतलब एक ही बार टैप करके कुछ भी ओपन कर सकते हैं, अगर इसे ऑफ रखे सॉरी ऑन रखना है इसे हमें, तो ये मेरा ऑन ही रखना है इसे, तो ऑन रखोगे तो आपको जो पार्शली ब्लाइंड है जो डबल टैप करके कुछ भी चीज़ नहीं खोलना चाहते वो सिंगल टैप से ही खोलना चाहते हैं, तो इसे ऑन रखोगे तो वो सिंगल टैप से खोल पाएंगे, और जो मतलब बाकी जो लोग डबल टैप से ही रखना चाहते हैं तो इसे आप ऑफ ही रखोगे, तो मेरा ऑन है ये। शो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज लिस्ट ऑन स्विच, शो कॉन्ट्रास्ट मेन्यू इसे भी हमें ऑन ही रखना है, तो इससे क्या होगा ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट मेन्यू और लोकल कॉन्ट्रास्ट मेन्यू जो हम खोलते हैं वो आगे जेस्टर्स में आपको बताएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट मेन्यू और लोकल कॉन्ट्रास्ट मेन्यू आपकी लिस्ट फॉर्म में शो होगी, इसे ऑन रखना है हमें। जेस्टर्स, जेस्टर्स तो ये हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी, दोनों वीडियोज इकट्ठी ही अपलोड करूँगा मैं, तो जेस्टर्स के ऊपर पूरी एक वीडियो होगी, आप उसको सुन लीजिएगा। सिलेक्टर, सिलेक्टर तो इसका कुछ इतना खास यूज नहीं है, इसको हम आगे जाके कभी कवर करेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स ये उसके लिए है जो एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के यूज करना चाहते हैं, तो ये भी हमारे लिए इतना कुछ खास नहीं है। कस्टम लेबल्स, कस्टम लेबल्स इसके ऊपर हम एक पूरा टॉपिक कवर करेंगे। मिसेलेनियस, ओपन टॉकबैक एट द प्ले स्टोर, ओपन टॉकबैक एट द प्ले स्टोर, तो यहां से आप टॉकबैक को डायरेक्ट प्ले स्टोर से ओपन कर सकते हैं। Developer settings. Developer settings तो इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। Open talk, developer, talkback tutorial. Talkback tutorial, इसके अंदर talkback के पूरे lessons दे रखे हैं। Help and feedback. Help and feedback, इसके अंदर कुछ नहीं है, help आप talkback को feedback दे सकते हो। Privacy policy. Privacy policy, इसमें सारी privacy policy दे रखी है। Terms of service. Terms और services, इसमें सारे terms and services उसके talkback के दे रखे हैं। तो guys यही था आज के वीडियो में, तो आपको आई होप कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अंत में आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको टॉकबैक विदाउट किसी साइटेड की हेल्प से, एक न्यू फ़ोन है आपके पास और उसको में विदाउट किसी साइटेड की हेल्प से ऑन करना है, या आपने रीसेट कर दिया फ़ोन तो उसमें आपको विदाउट किसी साइटेड की हेल्प से ऑन करना है, और आपके पास यदि वर्ज़न 8 से ऊपर के फ़ोन है, या वर्ज़न 8 है, वर्ज़न 8 से नीचे के नहीं, वर्ज़न 8 या वर्ज़न 8 से ऊपर के फ़ोन, ओरियो या ओरियो से ऊपर के फ़ोन हैं, तो उनमें आप वॉल्यूम अप और डाउन की को प्रेस करके टॉकबैक को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आपको वॉल्यूम और अप की और डाउन की दोनों को 3 सेकंड तक प्रेस करना है और आपका टॉकबैक ऑन या ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ फ़ोनों में ये चीज़ नहीं होती है ऐसे, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। एमआई यूज़र्स के लिए पहले बता देता हूँ कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज डेट एंड टाइम, सॉरी मैं बैक आ गया हूँ थोड़ा, वन हैंडेड मोड, एक्सेसिबिलिटी, तो एक्सेसिबिलिटी में जाके एक्सेसिबिलिटी,
यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नंबर वन पे ही, एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट, एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट, तो कुछ फोनों में थोड़ा अंदर जाके भी मिल सकता है, तो आप ढूंढ लीजिएगा एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट, तो इसे हमें ऑन कर देना है यहाँ से, accessibility checked checkbox, तो इसे हमें ऑन कर देना है। उसके बाद shortcut service talkback, shortcut service में जाके आपको talkback select कर देना है, इसमें double tap करेंगे और यहाँ पे आपको talkback ढूंढना है। short switch x security nova launcher app vault select to speak checked talkback checked, तो इसे हमें check कर देना है, talkback checked कर दोगे तो आपका talkback फिर शॉर्टकट सर्विस में हो जाएगा service. फिर आप वॉल्यूम अप और डाउन की प्रेस करके ऑन या ऑफ कर सकते हो। बाकी अगर सैमसंग यूजर्स हो तो सैमसंग यूजर्स को जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है आपको एक्सेसिबिलिटी में, उसके बाद आपको जाना है वहाँ पर एडिशनल सॉरी एडवांस सेटिंग में, एडवांस सेटिंग में जब जाने के बाद आपको वहाँ पर सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलती है वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज़, तो उस वाली ऑप्शन में जाके उसे ऑन कर देना है। उसके बाद आपको जो सर्विस है सिलेक्ट सर्विस में जाके टॉकबैक सिलेक्ट कर देना है, उनका वाइव डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंट सिलेक्ट होता है, तो वहाँ पे आप टॉकबैक सिलेक्ट कर दोगे तो आपका फिर टॉकबैक ऑन और ऑफ होने लगेगा। तो आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो आज का लेसन तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अलार्म सेट ऑन 4G फोन सिग्नल लॉक स्क्रीन डिवाइस। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी, हाउ आर यू टू ऑल। और आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट वीडियो की ओर चलते हैं। तो मैं टॉकबैक ऑन करता हूँ अपने को, टॉकबैक ऑन सिस्टम लॉन्चर, तो चलते हैं हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स तो देखिए, मैं सैमसंग और रेडमी दोनों डिवाइस के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जो है Redmi के बारे में बात कर लेते हैं। Redmi में हमें सेटिंग्स में जाना होता है, सेटिंग्स के अंदर हमें मिलता है एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर हमें मिलता है एक्सेसिबिलिटी। ये जो फीचर है ये सेम रहेगा चाहे वो फ़ोन आपका Redmi में Oreo में हो या Nougat में हो या फिर Pi में हो या फिर 10 में हो, तो हमें सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग के अंदर ही एक्सेसिबिलिटी मिलता है। और बात कर लेते हैं सैमसंग के डिवाइस की, तो देखिए सैमसंग के जो डिवाइस हैं उनमें क्या होता है कि उनमें आपको जो 9 में जिसको हम पाई बोलते हैं और जो 10 जिसको हम क्यू बोलते हैं क्विक बोलते हैं, उसमें हमें सेटिंग्स के अंदर एक्सेसिबिलिटी बाहर ही मिल जाता है। Redmi के फ़ोन में हमें एडिशनल सेटिंग में मिलता है एक्सेसिबिलिटी, और सैमसंग के फ़ोन में हमें एक्सेसिबिलिटी बाहर ही मिल जाता है। तो मैं चलता हूँ पहले अपने फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी में एडिशनल सेटिंग के अंदर। सर्च होम स्क्रीन wallpaper themes passwords or battery or apps 20 additional settings additional settings additional settings languages or quick bolts 100 clear speaker accessibility 10 accessibility accessibility back button तो accessibility। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो 9 के पाई के और 10 के क्विक के क्यू के जो वो फोन है सैमसंग की बात कर रहा हूँ मैं, उनमें क्या होता है कि एक्सेसिबिलिटी के अंदर भी हमें इंस्टॉल सर्विस के अंदर टॉकबैक मिलता है, ठीक है। और जो पुराने फ़ोन हैं Oreo में Nougat में जो लॉलीपॉप में रन कर रहे हैं उनमें हमें बाहर ही मिल जाता है टॉकबैक, ठीक है। और जो Redmi के डिवाइस होते हैं उनमें सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी के अंदर ही मिल जाता है बाहरी टॉकबैक, उनमें हमें इंस्टॉल सर्विस में नहीं जाना होता है। लेकिन जो 9 के और 10 के मोबाइल हैं सैमसंग के उनमें हमें इंस्टॉल सर्विस के अंदर टॉकबैक मिलता है। तो मैं टॉकबैक में चलता हूँ, शॉर्टकट्स होते हैं अपने फोन के टॉकबैक से होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें हमें आगे पीछे का जो हम करते हैं लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं अप टू डाउन स्वाइप करते हैं, लोकल कॉन्टैक्ट मेन्यू खोलते हैं, ग्लोबल कॉन्टैक्ट मेन्यू खोलते हैं, ठीक है, स्क्रीन सर्च करते हैं, तो ये सभी हमारे शॉर्टकट होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए दो ऑप्शन है टॉकबैक सेटिंग में जेस्चर में जाने का, एक जो हम जेस्चर का यूज़ करते हैं शॉर्टकट का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम ग्लोबल कॉन्टैक्ट मेन्यू, उसके लिए हमें डाउन देन राइट करना होता है, ठीक है। अगर हम स्क्रीन पर एल बनाएंगे तो ग्लोबल कॉन्टैक्ट मेन्यू खुल जाएगा जिससे हम टॉकबैक सेटिंग में आसानी से जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको इतना लंबा मेथड इसलिए बताया कि कुछ लोग जो बिगनर होते हैं उनको ग्लोबल कॉन्टैक्ट मेन्यू खोलने में कुछ प्रॉब्लम होती है,
तो चल लेते हैं हम जेस्चर देख लेते हैं। गेस्चर्स शॉर्टकट गेस्चर्स हेडिंग इन लिस्ट स्वाइप अप प्रीवियस नेविगेशन सेटिंग स्वाइप अप प्रीवियस आइटम है ना। तो देखिए जो स्वाइप अप करेंगे हम, जैसे मान लीजिए स्वाइप अप में हमें मिलता है कंट्रोल्स कंट्रोल लिंक्स लिंक हेडिंग्स हेडिंग पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स लाइंस लाइंस वर्ड्स वर्ड्स कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स डिफॉल्ट डिफॉल्ट। तो हमें ये फीचर मिलते हैं अपने जेस्चर है ये सभी, ठीक है। तो देख लीजिए कि जैसे पैराग्राफ लाइंस वर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, बेसिकली ये काम आते हैं हमारे। तो कोई हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कोई लिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम अप करेंगे, ठीक है, अप या डाउन। नेक्स्ट टेक्स्ट है जो स्वाइप डाउन नेक्स्ट नेविगेशन स्वाइप डाउन नेक्स्ट नेविगेशन, ठीक है, सेटिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अप एंड डाउन का ही यूज़ करते हैं हम, जैसे कंट्रोल्स लिंक्स कंट्रोल लिंक। अब मैंने आपको कहा था अब मैं डाउन करूँगा तो नेक्स्ट आ जाएगा कंट्रोल्स, कंट्रोल आ गया ये अगले वाला, ठीक है। तो इसका मानते हैं जेस्चर, इसका यूज़ क्या होता है कि हम कोई वो पढ़ रहे हैं, आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी, तो हमें वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है तो हम वन फिंगर से डाउन करेंगे या अप करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लिंक्स हेडिंग्स पैराग्राफ्स लाइंस वर्ड्स वर्ड्स, तो वर्ड्स पे आ गया हमारा कल्चर। तो हम अगर हमें आगे पढ़ना है, जैसे लिखा मैंने मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर आप कैसे हो, आप पे हम बोलेंगे, हम अगर राइट करेंगे तो बोलेगा क्या, आप कैसे हो, तो बोलेगा हम वर्ड पे जाके जैसे हम वन फिंगर से अप या डाउन करेंगे, तो हम स्वाइप करेंगे राइट की ओर तो बोलेगा आप, फिर बोलेगा क्या या फिर कैसे या फिर हो, ठीक है। तो अगर हम करेंगे लेफ़्ट की ओर स्वाइप करेंगे तो बोलेगा हो पे हमारा कल्चर होना चाहिए, तो बोलेगा कैसे फिर आप, ठीक है। तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ने का काम आता है। और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में क्या होता है कि हम जैसे कोई इंग्लिश के हमारा कोई इंग्लिश का पैराग्राफ है या फिर हम कुछ पढ़ रहे हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, जो भी है, इंग्लिश में हम कैरेक्टर का वर्ड यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि कैरेक्टर में जो है हमारे कुछ जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें स्पेलिंग नहीं पता होते, तो हम उनके जो स्पेलिंग जान सकते हैं कैरेक्टर में जाके, ठीक है। तो ये इसका मतलब है और हमें इसको डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर्स डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट ही है ये, ठीक है। और लिंक वगैरह का इसलिए काम आता है, जैसे मान लीजिए आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कोई लिंक ढूंढ रहे हो या फिर किसी वेबसाइट में आप लिंक ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो हमारा जो कल्चर है हमें डाउन या अप करके लिंक पे ले जाके हम लेफ्ट की ओर या राइट की ओर स्वाइप करेंगे तो हमारे वो लिंक के ऊपर डायरेक्ट ले जाएगा, ठीक है। सेंड यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जेस्चर, स्वाइप लेफ्ट प्रीवियस आइटम स्वाइप लेफ्ट प्रीवियस आइटम। तो देखिए अभी मैंने राइट की ओर स्वाइप किया तो नेक्स्ट आइटम आया, और मैं स्वाइप करूंगा तो लेफ्ट की ओर स्वाइप करूंगा तो प्रीवियस आइटम में आ जाएगा, ये देखिए स्वाइप डाउन नेक्स्ट नेविगेशन सेटिंग, ठीक है, ये आ गया प्रीवियस में, स्वाइप लेफ्ट प्रीवियस आइटम। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं गया सेटिंग में, सेटिंग में मुझे जाना डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले की बजाय मैं आगे चला गया, डिस्प्ले को पीछे छोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो मैं लेफ्ट की ओर स्वाइप करूंगा राइट से लेफ्ट की ओर तो मैं वापस जाऊंगा, ठीक है। और अगर मुझे जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन में, मैं सेटिंग पर क्लिक किया और अब मैं लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप करता जाऊंगा नेक्स्ट करता जाऊंगा, ठीक है, तो हमें वहाँ पर मिल जाएगी स्वाइप राइट नेक्स्ट आइटम, स्वाइप राइट नेक्स्ट आइटम, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। Swipe up then down, focus first item on screen. Swipe up then down, focus first item on the screen. Swipe up then down, focus. Swipe up then down. मैं दिखा रहा हूँ मैं practical करके home भी जाता हूँ मैं. System launcher, settings, system launcher. आपको क्या करना है अभी मेरा culture जो setting पर है, ठीक है? मुझे screen की first item पे जाना है तो मैं up to down करूँगा और बिना finger हटाए. अप किया मैंने और डाउन किया, वेदर पे आ गया डायरेक्ट मेरा कल्चर, क्योंकि मेरी जो ऐप स्क्रीन है जो पास लिया है वो देख सकते हैं, जो उसमें फर्स्ट जो आइटम है कोई एप्लीकेशन है तो वो है वेदर, ठीक है। तो इसका मतलब है जेस्चर, ओवरव्यू ओवरव्यू सेटिंग्स अनलॉक गेस्चर्स स्वाइप अप देन डाउन फोकस फर्स्ट आइटम ऑन स्वाइप डाउन देन अप फोकस लास्ट आइटम ऑन स्क्रीन स्वाइप डाउन देन अप, ठीक है, फोकस लास्ट आइटम द स्क्रीन बटन आउट। तो ये भी देख लेते हैं, जैसे हम सिस्टम लॉन्चर अप देन डाउन करके गए थे वेदर पर, तो ऐसे ही हम कैमरे पर भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैमरा मेरा स्क्रीन में लास्ट आइटम है, ठीक है। तो लास्ट आइटम के लिए हमें करना होता है वेदर, ये वेदर आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट किया था कैमरा कैमरा, तो मैंने नीचे से ऊपर की ओर किया तो वो कैमरे में चला गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब है जेस्चर स्क्रीन में सेटिंग्स अनलॉक्ड ओवरव्यू
gestures swipe down then up focus up. तो ये जैसे इसका माता स्क्रीन में कि हम जैसे हमें फर्स्ट आइटम पर जाना है तो हम ऐसे करेंगे तो फर्स्ट पर आ जाएंगे और डाउन टू अप करेंगे तो लास्ट स्क्रीन में जो लास्ट है उस पर आ जाएंगे. ठीक है, तो उससे आगे देख लेते हैं हम कौन सा जेस्चर है हमारा. स्वाइप लेफ्ट देन राइट स्क्रॉल बैक. स्वाइप लेफ्ट देन राइट स्क्रॉल बैक. तो जैसे हम लेफ्ट से राइट को स्वाइप करेंगे बिना फिंगर हटाए तो जो है हमें जैसे पेज वगैरह चेंज करने होते हैं ना तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर नीचे अपने आप करते रहता है. ठीक है, स्वाइप राइट देन लेफ्ट स्क्रॉल फॉरवर्ड. स्वाइप राइट देन लेफ्ट. अगर हम ऐसे करेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने ऊपर है, मुझे ऊपर जाना है और मैं नीचे के फंक्शन ही देखनी है तो मैं राइट से लेफ्ट के स्वाइप करूँगा तो जो हमें टू फिंगर से नीचे करना होता है हम अप से डाउन करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, ये जैसे हमारा इसका माता है तो इसे नीचे स्वाइप अप देन राइट ओपन लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. स्वाइप अप देन राइट व्हाट्सएप चेकिंग फॉर न्यू मैसेजेस. लोकल कॉन्टेक्ट मेन्यू. लोकल कॉन्टेक्ट मेन्यू देख लेते हैं. जैसा कि अब मैंने बताया था आपको अप डाउन करने का, अप डाउन का मैंने आपको बताया था ना कि अप डाउन करने से जो हम कैरेक्टर में वर्ड में ऐसे आ जाते हैं ना, कैरेक्टर वर्ड लाइंस वगैरह वर्ड्स वगैरह में आ जाते हैं. ठीक है, तो अगर हमें लोकल कॉन्टेक्ट मेन्यू खोलना है, ठीक है, तो हम ऐसे भी खोल सकते हैं अप देन राइट. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा लोकल कॉन्टेक्ट मेन्यू है वहाँ पे हमें मिल जाएंगे ऑप्शन. मैं आपको लोकल कॉन्टेक्ट मेन्यू खोल के दिखा देता हूँ. ये देखिए अलर्ट लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. अलर्ट लोकल डिफॉल्ट कैरेक्टर्स 2 ऑफ 8 वर्ड्स 3 ऑफ 8 वर्ड्स लाइंस 4 ऑफ 8 लाइन पैराग्राफ्स 5 ऑफ 8 हेडिंग्स 6 ऑफ 8 लिंक्स 7 कंट्रोल्स 8 ऑफ कैंसिल gestures. तो ये ये इसका भी शॉर्टकट है. लोकल कॉन्टेक्ट मेन्यू भी एक जेस्चर है और उसका भी शॉर्टकट है अप एंड डाउन. ठीक है, कैरेक्टर वर्ड के लिए. और लोकल कॉन्टेक्ट मेन्यू बेसिकली जो काम आता है यूज़ आता है वो इसलिए आता है कि जैसे हमने कोई कॉपी कर लिया कोई टेक्स्ट वगैरह को पेस्ट करने में काम आता है. ठीक है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे. उसे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जेस्चर है. स्वाइप अप देन लेफ्ट होम बटन. स्वाइप अप देन लेफ्ट होम बटन. स्वाइप अप देन लेफ्ट. जैसे हमने राइट करके तो लोकल कॉन्टेक्ट मेन्यू खोला और अगर हम लेफ्ट की ओर कर देंगे उसको तो वो होम पर आ जाएगा. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए मैंने अप टू ड्राफ्ट किया. सिस्टम लॉन्चर कैमरा सिस्टम लॉन्चर. ये देखिए होम स्क्रीन पर आ गया. ये सेटिंग्स अनलॉक. सेटिंग्स गेस्चर्स स्वाइप अप देन लेफ्ट स्वाइप डाउन देन राइट ओपन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. स्वाइप डाउन देन राइट ग्लोबल कॉन्टेक्ट मेन्यू. तो ये देखिए अलर्ट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. अलर्ट ग्लोबल. तो ये खुल गया ना. कि देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सेटिंग में ग्लोबल कॉन्टेक्ट मेन्यू खोल के भी जा सकता था. टॉकबैक सेटिंग में देखिए रीड फ्रॉम रिपीट लॉक स्पेल लॉक कॉपी लॉक स्क्रीन्स टॉकबैक सेटिंग्स 7 ऑफ 10. मुझे टॉकबैक सेटिंग यहीं पे मिल गया था. मैं यहाँ से भी जा सकता था जेस्चर में लेकिन मुझे लगा नहीं कि इतना लंबा मैटर करना चाहिए ताकि आपको भी समझ आ जाए ना. तो यहाँ से भी हम कैंसिल कर देते हैं. गेस्चर्स स्वाइप डाउन देन राइट ओपन ग्लोबल कॉन्टेक्ट. Swipe down then left back button. Swipe down then left. जैसे हमने swipe down right किया तो global contact menu खुला और down करके अगर हम right left कर swipe करेंगे तो back आ जाएगा. देखिए. Talkback settings. Gestures in list. Talkback settings. Gesture से ये बार आ गया था. Gestures. तो हम दोबारा चलते हैं gesture में. Swipe up then right. Open local context menu in list. Swipe up then. Swipe down then right. Open global context. Swipe down then left back button. तो back button हो गया. Swipe right then down open notifications. Swipe right then down. अगर हम स्क्रीन पर राइट करके फिर नीचे करेंगे तो नोटिफिकेशन मेन्यू खुलेगा. नोटिफिकेशन शेड बोलते हैं जिसको. ये देखिए नोटिफिकेशन शेड 3:54. ये देखिए नोटिफिकेशन शेड खुल गया. Gestures. Swipe right then down open notifications. Swipe right then up unassigned. ये अनअसाइन है तो ये खाली है. ठीक है, इसमें आप कोई जेस्चर ऐड भी कर सकते हो. इस पे क्लिक किया हमने. स्वाइप राइट देन अप चेक्ड अनअसाइंड 1 ऑफ 23 प्रीवियस आइटम 2 ऑफ 23 प्रीवियस आइटम. इसके लिए ऑलरेडी जेस्चर सेट किया हुआ है, मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट आइटम 3 ऑफ 23 नेक्स्ट आइटम के लिए बताया था. तो आप अगर चाहते हो तो यहां से जेस्चर को ऐड कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं करना है. ठीक है, और करने का मेथड कुछ नहीं है. जो भी आपको ऐड करना है उस पे आपको सिंपल डबल टैप कर देना है, वो जेस्चर आपका ऐड हो जाएगा. ठीक है, स्वाइप लेफ्ट देन डाउन स्क्रीन सर्च. स्वाइप लेफ्ट देन डाउन. जैसे हमने राइट किया, राइट से नीचे किया था तो नोटिफिकेशन शेड खुला था और अगर लेफ्ट राइट से करेंगे हम तो वो स्वाइप लेफ्ट देन डाउन स्क्रीन सर्च. तो स्क्रीन सर्च आ जाएगा. स्क्रीन सर्च काफ़ी अच्छा फीचर है. ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ. टाइप सर्च टर्म
अक्सर स्क्रीन सर्च आ गया। जैसे हम आप किसी वेबसाइट में हो ठीक है, या फिर आपको कोई एप्लीकेशन मिल नहीं रही तो आपको ऐप स्क्रीन में जाकर सिंपल टाइप करना है और यहाँ पे कीबोर्ड ओपन होता है ठीक है, तो वो एप्लीकेशन आपको ऊपर ऊपर ही मिल जाती है। काफ़ी अच्छा फीचर है। आगे की जो क्लास रहेगी उसमें आपको चीज़ बताई जाएगी। बैक बटन इंग्लिश यूएस होम बैक बटन, तो यहाँ से बैक स्वाइप लेफ्ट देन अप ओवरव्यू बटन इन फिंगरप्रिंट गेस्चर्स स्वाइप लेफ्ट देन अप ओवरव्यू बटन स्वाइप लेफ्ट देन अप ओवरव्यू बटन स्वाइप लेफ्ट देन अप ओवरव्यू बटन। तो ये ओवरव्यू बटन मैं दिखा देता हूँ, लेफ्ट की ओर करके और ऊपर करना है हमें। ओवरव्यू सेटिंग्स अनलॉक्ड ओवरव्यू, तो इसे हम जो है क्लोज ऑल कर सकते हैं ठीक है। टोटल रैम 4G सेटिंग, तो जैसे हम क्लोज ऑल करते हैं ना, तो ये इसका मतलब है ठीक है, क्लोज ऐप करने के लिए। फिंगरप्रिंट जेस्चर्स हेडिंग फिंगरप्रिंट जेस्चर, तो ये जो जेस्चर हैं वो कुछ काम भी नहीं आते हैं ठीक है, और ये ओनली फोन में वर्क करते हैं जिनके फ़ोन में फिंगरप्रिंट जो सेंसर होता है ठीक है, तो इसका हमें कुछ ज़्यादा यूज नहीं है। टॉकबैक ऑफ, आशा करता हूँ कि आपको जो है सभी जेस्चर समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर कल की जो क्लास रहेगी या फिर ग्रुप में भी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू।